तो आज की वीडियो बताने वाला हूँ कि तुम अगर यकीन मैच फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो मैंने की थी अपने फर्स्ट ड्रॉप में, और जिस वजह से मेरा मतलब थोड़े ही मार्क्स से आ रहे, मतलब मध्य प्रदेश में अगर उस टाइम 60-70 नंबर और आ जाते तो सिलेक्शन हो जाता, और वो 60-70 नंबर ज्यादा है आई नो, लेकिन वो अगर मैं कुछ गलती नहीं करता तो वो आराम से आ जाते, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट गलती बताऊंगा कि मैंने बहुत सारे टीचर चेंज करे, गलती मेरी थी, क्योंकि अब तुम सोचो जिसके 80 नंबर आए हो तो उसी में कमी है यार, मेन बात तो है ना, और वो टीचर थोड़ा तो उस लेवल का समझाएं कि हाँ बंदा 11 12 पढ़ के तो आएगा वो एटलीस्ट, तो मुझे लगता था कि टीचर में कमी है, तो उस वजह से मैंने बहुत सारे टीचर चेंज किए। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की, जैसे मैं पहले अमित महाजन सर को फॉलो करता तो एक दो चैप्टर पढ़े और नहीं आया समझे तो मैंने टीचर चेंज कर लिया, जबकि उन्हीं टीचर बाद में जाके मुझे उन्हीं टीचर पे पढ़ना पड़ा क्योंकि वो टीचर अच्छे हैं। और मैंने ये गलती की थी कि मैं टीचर चेंज कर लेता तो फिर भी मुझे समझ नहीं आता, तो मैं फिर मेरे को एक दिमाग आया कि भाई तुम एक टीचर की एक वीडियो देखी, फिर अगले टीचर की एक देखी, इससे अच्छा उन्हीं टीचर की वो वीडियो रिपीट कर लो। फिर मैं वो चीज करने लगा था और वो रिपीट करने वाला कंसेप्ट बहुत सही था, तो मैं एक ही टीचर की वीडियो रिपीट कर लेता तो मुझे समझ में आने लगी थी, ठीक है। ये फर्स्ट मिस्टेक हुई। और सेकंड मिस्टेक ये कि जो ये एक रहता है ना कि अलग अलग, जैसे यूट्यूब पे तो सर्च कुछ भी कर लो कि हाउ टू दिस हाउ टू दिस, तो बार बार ये सर्च करना, ये मिस्टेक कि अलग अलग मेंटर को फॉलो करना, क्योंकि भाई सबका तरीका अलग होता है, तुम मुझे फॉलो करके कंप्लीट फॉलो नहीं कर सकते, अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाओ, है ना, मुझे मेरे तरीके देख सकते हो, बाकी कंप्लीटली फॉलो नहीं करना किसी को भी कि तुम अलग अलग दिन जा के अलग अलग वीडियो देख रहे हो फिर उनके हिसाब से चल रहे हो, नहीं, फिर अपनी खुद की बताओ। इसलिए मैंने ऑस्ट प्लान बताया था कि अपने हिसाब से जनरेट करो, ठीक है। और थर्ड मिस्टेक ये होती है कि टेस्ट दे लेते हैं, जैसे मैं टेस्ट दे लेता था, यकीन 2022 वाली बैच की बात कर रहा हूँ, टेस्ट दिया मैंने, ठीक है। अब टेस्ट देने के बाद जो मार्क्स, अब तुम सोचो मेरे जब पहले टाइम में 80 आए तो मुझे कुछ नहीं आता होगा, उसी हिसाब से मैंने फिर पढ़ा, पढ़ने को समझ नहीं आया, तो टेस्ट में भी 250-300 ऐसे मार्क्स आते थे मेरे, ठीक है। तो ऐसे मार्क्स देखने के बाद मैं ये एनालाइज नहीं करता था कि मेरी गलती क्या हुई है, एज कम्पेयर टू दिस मैं ये देखता था मेरे नंबर कितने कम आ रहे हैं, और फिर ऐसे लेक्चर डीपीपी कुछ करने का मन नहीं होता था, तो ये गलती थी, और ये मैंने शायद पूरे साल ही फॉलो किया था, और इस साल उसको सुधारा था इसलिए नंबर इंक्रीज हुए, ठीक है। तो मिस्टेक कॉपी तुम्हें बनाना है और टेस्ट एनालाइज करना है तुम्हें, ये गलती मेरे जैसी रिपीट नहीं करनी है। और एक ये रहती थी चौथी गलती मान लो कि डीपीपी को नहीं करना, मैं जनरली क्या करता था लेक्चर देखा, अब जैसे फिजिक्स का मानू मैं बताता था, पहले साल मेरे को फिजिक्स में 4-4, 5-5 घंटे लग जाते थे, तो ऐसे बायोलॉजी में 3 घंटे लग गए और फिर केमिस्ट्री में टाइम लग गया, तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। फिर भाई सच बता रहा हूँ, जैसे बहुत मैंने बहुत लोगों ने सुना है कि सर दर्द होता है ना, और बाकी में होता है यार, देखो सच बताऊं, और फिर मन नहीं लगाने लगता कि अब कौन करे डीपीपी, अब इतना तो कर लिया, ये वो ये बहुत बहुत दिमाग में चलता है, तो उसी चक्कर में डीपीपी नहीं कर पाता, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इस बार मैंने डीपीपी को एक एक डीपीपी को 3-3 बार तक किया है, तो डीपीपी तुम्हें अब देखो सिलेक्शन चाहिए ना एक ही साल में, और नंबर अगर तुम्हें 50, 100, 150, 200 इस साल आए हैं तो सब चीजें करनी होंगी जो एक सेलेक्ट होने वाले बंदा करता है, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट ड्रॉप में है ना उसी चक्कर में इतना कम सोया भी हूं मैं, लेकिन फिर भी वो टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन वो निकालना था, मैं निकाल सकता था, मैं अगर थोड़े से और एफर्ट लगाता ना तो मैं निकाल सकता था है। तो डीपीपी नहीं छोड़, डीपीपी तो छोड़ना ही नहीं है, ये बुक वो बुक तो अभी रहने दो, लेकिन डीपीपी मस्ट है कि छोड़ना ही नहीं है, करना ही है डीपीपी। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। और एक गलती और जो मैंने की थी, मैं 6-6 घंटे सोने लगा था, और मैं उस सोने वाले टाइम में से निकालता था कि पढ़ लूं, जबकि उस पढ़ने वाले टाइम में से निकाल, और मतलब एफिशिएंसी बढ़ाता ना मेरे हिसाब से, तो एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए थी ना मेरे को, एफिशिएंसी बढ़ाने की वजह मैंने टाइम सोने का घटा दिया, जिससे एफिशिएंसी और कम हो जाती थी, कभी कभी पढ़ते पढ़ते फिजिकल लेक्चर देखते देखते सो गया है ना, तो पता चलता आधे एक घंटा बाद खुलती है नींद, तो ऐसा एक घंटा वेस्ट होना, इससे अच्छे 1 घंटे सो लो अच्छे से, और फिर दिन भर प्रोडक्टिविटी अच्छे तरीके से निकालो। और ये चीज मैं 6 घंटे लगभग 4-5 महीने सोया, तो उस वजह से मेरे लास्ट में जाके सर में दर्द, मतलब मेरे को बहुत सारी दिक्कतें हुई थी लिटरली। अगर आप नहीं सोते हो तो आपको बाद में अभी कुछ नहीं होगा, 5-10 दिन 15 दिन, लेकिन 1-2 महीने के बाद क्या होगा ना, आपकी जो माइंड से रिलेटेड होगी ना, ये आपको थोड़ी थोड़ी डिसीज होने लगेगी है ना, कहीं सर में दर्द होना और एकदम स्ट्रेस बना रहना, तो इसके लिए सोना जरूरी है, 7 घंटे तो एटलीस्ट सो ही सो, 7 घंटे की स्लीप जरूरी है ही, ठीक है, इसको मिस मत करना। मैंने किया था, और इस साल मैं सच बताऊं, इस साल 7 से 7.5 घंटा 8 घंटे भी सोया हूं है ना, 7 घंटे सो, एंड आई नो टाइम कम पड़ता है, तो 7 से कम नहीं सोना है चाहे जो हो, ठीक है। एंड और एक दो मिस्टेक और बता रहा मैं, एक सेकंड देख लूं, ठीक है। तो मतलब मैंने लिख रखी है क्योंकि मुझे पता था मैं ड्यूरिंग क्या होगा ना, पहले तो जैसे बताऊं, अब एक दो मिस्टेक होती है मैं भूल जाता हूं, तो क्यों नेक्स्ट वीडियो में भूलूं, और इसलिए अच्छा मैंने लिख रखी थी साइड में, तो उससे बोल दे रहा मैं। हाँ, टेस्ट एनालिसिस हो ही गया कि हाँ, एक पर्सन तुम
डोंट ट्राई टू हेल्प। हाँ, एक मेरे में एक ये कमी थी कि मेरे पास एक कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं था कि जिससे मैं दिन भर में खुश रह सकूं। तो मैं पूरे दिन में, मैंने ना ये वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, मैं अपनी पुरानी वीडियो में, इस साल मेरे पास था, मैं गाने सुन लेता था, खुद गा लेता था, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है लिटरली, तो इससे काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है ना। और जैसे ट्रैवलिंग में आता है तो मैं लाइब्रेरी जाया करता था, तो थोड़ी किसी ना किसी मतलब वहाँ दोस्त बन गए थे तो बात साथ कर लेता था, है ना, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता था स्ट्रेस, है ना। तो तुम्हें अगर एक ना एक पर्सन चाहिए ही है, कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त, है ना। तो जैसे मेरे बताया था, मेरे एक दो दोस्त थे तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिया करते हैं, है ना। तो ऐसे में स्ट्रेस भी, तो मैं ये बता रहा था कि तुम्हारे पास एक ना एक कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको तुम, अगर तुम घर पे पढ़ते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं घर पे ही पढ़ता तो मैं तो किसी से बात तक नहीं करता था, इवन मैं घर पे भी किसी से बात नहीं करता, मतलब ये खुद एक स्ट्रेस सा क्रिएट कर लेता, खुद से ही बातें करता रहता। तो एक पर्सन तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए, तुम्हारा भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, मम्मी पापा कोई भी, या कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, कि तुम उससे सिर्फ 5-10 मिनट बात कर लो, तुम्हें एक अलग ही लेवल की खुशी हो, है ना। ऐसी नहीं उससे बात करने के बाद तुम्हें एंजाइटी हो, उल्टा डिमोटिवेशन हो, ऐसे फ्रेंड नहीं बनाना बिल्कुल भी नहीं, है ना, या तो फिर किसी से बात नहीं करना। लेकिन एक अगर तुम्हारी लाइफ में है कोई, तो 5-10 मिनट अगर तुम बात करके हैप्पी हो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, क्योंकि एक तुम्हारे पूरे दिन में, या कोई ऐसा हो, कोई तुम्हारा एक फेवरेट, कोई कुछ भी हो जो 5-10 मिनट के अंदर कोई खत्म हो जाए, कोई सीरियल टाइप कुछ भी हो, है ना, कोई सीरीज चल रही कोई भी, कि तुम्हें एक दिन भर की थकान तुम्हारी दूर कर दे, या कोई गाना हो। जैसे इस बार मैं इस बार की बताऊं तो मैं गाने सुन लेता था और मेरे लाइब्रेरी में कुछ दोस्त थे तो डिस्कशन कर लेते क्वेश्चन का, तो उससे भी अच्छा, मतलब क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते, क्वेश्चन डिस्कशन भी हो गया, बात भी हो गई, रिलैक्स भी हो गया, है ना। तो तुम्हारे लाइफ में एक होना चाहिए पर्सन, या तो तुम लाइब्रेरी ज्वाइन की हो तो ऐसे ही कर लो, एक दो दोस्त बना लो, उनसे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करो, या तुम्हारा नीट ही, नीट वाला ही कोई दोस्त हो, उससे कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नीट वाला दोस्त होना चाहिए, उससे कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारे लिए उसके बिल्कुल ये होना चाहिए कि हाँ तुम्हारा भी सिलेक्शन होना चाहिए, है ना। मेरा भी एक दोस्त था तो यही रहता था कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो मेरा भी सिलेक्शन हो, है ना, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन डेली तुम्हारे 5-10 मिनट किसी अच्छा, कोई भी अच्छा काम जैसे तुम्हें अच्छा लगे, कुछ भी हो सकता, तुम किसी को पूजा करके अच्छा लगता है ना, मतलब भगवान की पूजा करके, कुछ भी भाई कुछ भी, तुम्हें सिर्फ खुशी मिलनी चाहिए एट द एंड, ठीक है। और छठवां एक पॉइंट है, ये मैं मतलब ये मैं गलती नहीं करता था, लेकिन तुम्हें भी इंक्लूड करना चाहिए एक्सरसाइज। मैं शुरू के महीने जून जुलाई अगस्त जब फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया था मैंने, तो सितंबर अक्टूबर तक अच्छे से फॉलो किया था, मैं रोज डेली उठ जाता था जल्दी और एक्सरसाइज कर लेता थोड़ी मोड़ी जो जरूरी रहती है, मतलब एक फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है ना, या वॉक पे निकल जाओ, लेकिन होती जरूरी होती है भाई, बहुत जरूरी होती है। अगर तुम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो तुम अपना एक एफिशिएंसी घटा रहे हो, है ना, बहुत जरूरी है तुम्हें दिन भर ना, वो एक तो स्ट्रेस रिड्यूस करता है एक्सरसाइज, और क्या करते हैं उसको, जो तुम्हें आलस बना रहता है वो नहीं रहता, है ना। इस बार जैसे मैं लाइब्रेरी जाता तो वैसे ही वॉक अपने आप हो जाती, लेकिन अक्टूबर से क्या हुआ था, मैं धीरे धीरे रिड्यूस हो गई थी एक्सरसाइज, पता नहीं क्यों, मतलब ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने अक्टूबर से फिर जब तक पेपर में, जब तक शायद 3-4 महीने के लिए सब, मतलब पता नहीं क्यों, मुझे भी लगता है क्यों छोड़ी थी मैंने एक्सरसाइज, उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था ना मुझे, फिर नींद भरी, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है भाई, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा, मतलब बच्चों के रखे रहते ना जो बैडमिंटन टाइप, वो खेलने लगा था दीवार से के साथ, है ना, दीवार पे बॉल मारी फिर ऐसे ऐसे खेलना करता था, तो उससे बहुत अच्छा, मतलब कुछ भी करो तुम्हारी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। तुम्हें एक मतलब सुबह सुबह अगर तुम फिजिकल एक्सरसाइज करो तुम एक चार्ज टाइप हो जाते, चार्ज होते ना, अब एक तुम्हें बाइक का एग्जाम्पल, बाइक स्टार्ट करो एकदम हन हन कर लो तो बाइक कैसे फिर आराम से चलती है, लड़के रिलेट कर सकते हैं, है ना, और स्कूटी में लड़कियां रिलेट कर सकती हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसी हमारी बॉडी होती है कि जैसे ही अब हम सो के उठते हैं तो हम इनर्शिया में होते हैं, सोने के इनर्शिया में, तो जागने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी जरूरी है, दौड़ लो भाग लो कुछ भी कर लो, ये पॉइंट ऐड करना प्लीज, ठीक है। और एक और पॉइंट मैंने लिख रखा है, मैंने लिख रखे हैं एक्चुअली पॉइंट, तो एक था मैंने कौन सा लिख रखा था, और इन्वॉल्व इन कमेंट्स, हाँ, कि तुम अगर लाइव क्लास लेते हो तो कमेंट सेक्शन में इन्वॉल्व मत हो। मैं लाइव क्लास नहीं लेता, लेकिन मैं ऑफलाइन वो जो रिकॉर्डेड होती थी वो क्लास लेता था, और जनरली फर्स्ट ड्रॉप में मैं ऐसे बता रहा ना, किसी से बात नहीं करता, तो मैं कमेंट सेक्शन में इन्वॉल्व हो गया था, बात चैट नहीं करता था, बस उसमें थे कुछ मतलब 2-4 कैरेक्टर ऐसे थे जो फेमस हो चुके थे उस यकीन मैच में, सच बताऊं तो नवंबर दिसंबर के पास के, टीचर को उनका नाम पता था, वो सेलेक्ट हुए हो या ना हुए मुझे पता नहीं, लेकिन अलग ही फेमस हो गए, तो उनकी चैट पढ़ने मुझे बहुत मजा आता था, और मैं पता ही चलता था 15-20 मिनट ऐसे वेस्ट कर देता दिन के, डेली 15-20 मिनट ही वेस्ट होते थे, लेकिन ये बेकार पॉइंट था यार, है ना। तो तुम्हें चैट सेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है बिल्कुल, ठीक है। एक और ये मिस्टेक एक मैंने लिख रखी है कि अगर तुम देखो डीपीपी किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, क्योंकि लास्ट ईयर कोई ड्रॉपर होता है जैसे 400 नंबर आए थे, तो उस डीपीपी भी वो आराम से सब लगा लेता है, टेस्ट वगैरह दे लेता है, तो उसके पास टाइम बचता है, तो मल्टीपल बुक्स ये नहीं करना, एक बुक लेना उसको बार बार लगाना है, भले ही डीपीपी को बार बार लगा लो। इस बार की बात बताता हूं मैं, मैंने एनसीईआरटी पंच मंगा, देखो डीपीपी मेरे से होनी नहीं थी, डीपीपी भी हो रही थी लेकिन टाइम तो लगता है, देखो इस बार भी मेरे को टाइम तो लगता था,
मैंने पंच ऑर्डर कर दी, बायोलॉजी की कर दी, केमिस्ट्री की कर दी, है ना, कि भाई ये बुक ऐसी ये बुक वैसी, ना केमिस्ट्री की सॉल्व की पूरी तरह, ना बायोलॉजी की, लेकिन फिर भी बायोलॉजी में तुम सुनो 360 में से मेरे 331 मार्क्स है, और वो कुछ सिली मिस्टेक हुई है, मतलब मैं एनसीईआरटी पंच लगाता तब भी इतने ही मार्क्स होते, सीधी बात ये बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता भाई, डीपीपी 2-3 बार लगा लो, है ना, और टेस्ट की क्वेश्चन बार बार लगाओ, टेस्ट मतलब टेस्ट की जो गलती हो रही वो देखो, बस इतने ही में हो जाता है। मेरा सीन क्या था, मुझे सच बताऊं तो ऐसा गाइड करने वाला नहीं मिला था जो प्योर यकीन मैच के लिए गाइड करे, प्योर मतलब ऑनलाइन के लिए गाइड करे, मुझे सच में नहीं मिला था। मुझे अगर ऐसी जो मैं गलती बता रहा हूँ ये मिला होता ना तो फर्स्ट ड्रॉप में ही सिलेक्शन ले लेता। क्यों? क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज भी 2-3 खरीदे, फिजिक्स वाला की एक तो यकीन मैच के लिए आती है, थोड़े दिन बाद एक आती है रैंकर टेस्ट सीरीज करते, वो मैंने इस साल खरीद ली थी, और एक और किसी इंस्टीट्यूट की मैंने इस बार खरीद ली, तो दी अटेंड नहीं की थी, सस्ती थी मतलब लो कॉस्ट की थी, तो मैं खरीद ली, अटेंड नहीं की, एक दो टेस्ट अटेंड कर ली, कम नंबर आया तो डिमोटिवेट हो गया, ये बहुत गलती मैंने की है। तुम्हें सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, सोचो उससे नंबर पर कोई फर्क नहीं, मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे 10 कोचिंग की ज्वाइन कर लो, एक ही ज्वाइन कर लो, हर चीज एक करनी है तुम्हें ना, रिविजन बार बार करना है एक ही चीज का, बस ये इंक्लूड कर लो। तुम बहुत पूछ रहे थे ना कि तुम आपका ऐसा क्या हुआ कि आपका फर्स्ट टाइम जब आपने 80 से 483 जंप कर लिया तो थोड़ा और कर लेते, ऐसा क्या हुआ, तो ये गलती थी मेरी, है ना। और एक और गलती हुई, ये अभी मैंने अभी मेरे को ध्यान आई है कि उस टाइम जुलाई में हुआ था पेपर 2022 में, और हमारा हो गया था सिलेबस कंप्लीट मार्च के एंड में, अप्रैल के फर्स्ट ऑफ वीक में, ठीक है। अब वहां से बच रहे थे अप्रैल पूरा, मई, जून, 3 महीने आराम से बच रहे थे, और मेरे जनरली फुल सिलेबस टेस्ट में उस टाइम फुल सिलेबस होने लगा था, 400 के पास रहे मार्क्स। 3 महीने में भाई बंदे सिलेक्शन निकाल लेते हैं, सच बताऊं, जिससे सिर्फ रिवीजन करना होता, क्योंकि मेरा सिलेबस तो पूरा हो ही गया था। मेरे को एक स्ट्रेटजी ऐसी नहीं बना पाया मैं उन 3 महीनों में कि भाई मैं 400 से 550 तक नहीं कर पाया मार्क्स, 400 ही स्टक रहेगा 3 महीने, सोचो। मतलब मैं जुलाई में जब पेपर देके आया 483 मार्क्स आए मेरे, और मैं मॉक टेस्ट देता रहा, इंप्रूव ही नहीं करा, वही तो मैं कह, टेस्ट एनालिसिस मेरे से पता नहीं क्यों नहीं होती थी। 400 नंबर मेरे अप्रैल में आते थे, 450, 30 ऐसे मैंने डाला भी, यस उसका प्रूफ भी डाला है, तुम बिलीव ना हो। सेम मेरे फिर मई में भी 450 के लगभग 430, मतलब मैं इंप्रूव ही नहीं कर पाया, खुद को ये नहीं सोच रहा था कि मैंने क्यों इंप्रूव नहीं कर पाया, ये गलती रहती। और गलती क्या थी इंप्रूव ना करने की, कि जैसे ही बैच में इतना ज्यादा टीचर में इन्वॉल्व हो गया था, इतना ज्यादा, अब तुम खुद सोचो 12-12, 10-10 घंटे तुम सिर्फ मोबाइल में देख रहे हो, स्क्रीन में देख रहे हो, तो उन टीचर से मेरे को, मतलब मैं देख रहा था मोबाइल पर, लेकिन लगाव अटैचमेंट इतना ज्यादा हो गया था कि जैसे ही क्लासेस बंद हुई, हो जाती है 1 महीने के लिए, फिर रिवीजन क्लास स्टार्ट होती है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई छोड़ के चला गया हो, है ना, कोई मेरे लाइफ में था वो मुझे छोड़ के चला गया हो, ये सब टीचर्स, इतना अटैचमेंट हो गया था मेरे, तो 10-15 दिन मेरे बेकार निकल, सोचो 10-15 दिन। फिर मैं उनकी पुरानी वीडियो देखने लगा, मतलब मैं अपना टाइम सीधी बात वेस्ट करने लगा, पता नहीं ये क्यों था। इसलिए बोलते हैं पीडब्ल्यू इमोशन, शायद इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहां टीचर से अटैचमेंट हो जाता है, तो तुम्हें थोड़ा सा इससे दूर रहना है ना, और अपने सेल्फ स्टडी पर अगर तुम ज्यादा ध्यान दोगे तो इसी चीज। हाँ, और एक पॉइंट और कि मैंने सेल्फ स्टडी उस साल, अब तुम सोचो 10-12 घंटे में जो बोल रहा हूँ, सच में लेक्चर निकल जाते तो सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ बचता है। और इस बार सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी की थी, लेक्चर नहीं लिए, तो तुम्हें वो मैनेज करना है, एक ही साल में निकालना है तुमको, ठीक है, एक ही साल में लेना तुम्हें सिलेक्शन, तो तुम्हें मैनेज करना कि तुम थोड़ा सा जल्दी लेक्चर दे, मतलब अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। देखो मैं मानता हूं कि फर्स्ट टाइम जिनके 50-80-100 नंबर आए इस बार 150, तो उन्हें लगता होगा टाइम, लेकिन धीरे धीरे यार बढ़ाओ तुम अपनी सेल्फ स्टडी, चाहे जो हो रहा हो, क्योंकि तुम एक साल निकाल लो, क्योंकि तुम खुद सोचो इस साल नहीं हो तो फिर अगले साल वही चीज झेलोगे क्या? इस साल कैसा लग रहा है ना कि बस भाई क्या डिसीजन ले लिया, लग रहा है ना? नहीं, बस इसको कंट्रोल कर लो, एक साल तक ले जाओ, सिलेक्शन लेने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तुम बस ये सोचो कि मेरे को ये अगले साल फील ना करना पड़े, इसी साल सिलेक्शन लेना है मुझे, ठीक है। सो प्लीज सेल्फ स्टडी पर बहुत ज्यादा ध्यान दो, बहुत ज्यादा। और भी कुछ पॉइंट ध्यान आएंगे मेरे को तो मैं शॉर्ट्स के जरिए बता दूंगा, बाकी इतने पॉइंट्स ध्यान कर लेना, और ये गलती प्लीज मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए इसी साल। ओके, थैंक यू।